तो गम का मेडिकल में कितना पैसा खर्च होता है और गम का मेडिकल किस तरीके से होता है, जो नए बंदे आ रहे हैं उन लोगों को किस तरीके से गम का मेडिकल करवाना चाहिए और किन लोगों को गम का मेडिकल करवाना पड़ता है। आप किसी भी GCC कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तभी आप लोगों को गम का मेडिकल करवाना पड़ेगा। आप सऊदी जाना चाहते हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई यानी कि UAE कहीं भी अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को गम का मेडिकल करवा के तभी जाना पड़ेगा। यानी कि जब तक आपका गम का मेडिकल फिट नहीं होगा तब तक आप लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा। और जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों को मैं एक एडवाइस भी दूंगा क्या करना चाहिए गम का मेडिकल करवाने से पहले जो फिट आएगा आप लोगों का। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मेडिकल करवाने के लिए। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आप लोग देखकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नहीं तो आप जिस बंदे से काम करवा रहे हैं, जिस एजेंट से काम करवा रहे हैं, वो आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर दे देगा। उसके बाद में उस अपॉइंटमेंट लेटर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके की स्लिप आपको मिल जाएगी। उसमें आपका सेंटर का एड्रेस होगा जहाँ पर आपका मेडिकल होगा। यानी कि ये मेडिकल सेंटर हर जगह पर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप UP में रहते हैं तो UP में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में करवा सकते हैं और मुंबई में करवा सकते हैं और भी बड़ी सिटियों में मेडिकल आप लोग करवा सकते हैं। यानी कि आप इसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए जिस तरीके से आप लोग पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से इसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसके जो चार्ज होता है वो 1100 रुपये होता है। और मेडिकल की इस टाइम पर 2023 में अगर आप सऊदी अरब का मेडिकल करवा रहे हैं तो 5800 रुपये में आपका मेडिकल होगा। अगर आप कुवैत का करवा रहे हैं तो 5400 में आप लोगों का होगा। इसी तरीके से यानी कि 5000 से 6000 के बीच में किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, अगर कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई किसी भी कंट्री में वर्क वीज़े पर जा रहे हैं तो आप लोगों का 5000 से लेकर 6000 के बीच में आप लोगों का मेडिकल होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का डॉक्टर एक्सरे करेगा। एक्सरे करने के बाद में ब्लड चेक करेगा यानी कि खून का टेस्ट लेगा। उसके बाद में आप लोग का वेट भी चेक किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का आँखों का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में बॉडी का भी टेस्ट लिया जाएगा कि कोई बॉडी में डिफेक्ट तो नहीं है। उसके लिए आपको कपड़े भी उतारना पड़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को एक डब्बी देगा, उसमें आप लोगों को अपना यूरिन देना है और उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर जो सारे टेस्ट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप लोगों को वहाँ से आ जाना है। उसके बाद में आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन आप लोगों को दिखा दी जाएगी 24 घंटे के अंदर, या फिर आप एक नंबर होगा उस स्लिप पे जो गमका मेडिकल की आप लोगों ने स्लिप यानी कि अपॉइंटमेंट लेते समय जो आपको स्लिप मिलती है उस स्लिप पे नंबर होगा वहाँ का सेंटर का। आप वहाँ पर 24 घंटे के बाद में कॉल करके भी पूछ सकते हैं मेरी जो रिपोर्ट है, अपना नाम बताएंगे फिट है या अनफिट है। रिपोर्ट आप लोग को जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप लोग मोफा नंबर नहीं देंगे, लेकिन आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी रिपोर्ट है जो फिट है या अनफिट है, वो आप लोग को कॉल पर बता देंगे। या फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट फिट है या अनफिट है। तो इस तरीके से आप लोगों का मेडिकल होगा। और जिन लोगों को न्यू मेडिकल करवाने जाना है यानी कि गम का मेडिकल करवाने के जा रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से जाएं, क्या करना चाहिए? अगर आप लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो आप लोग उस दिन ड्रिंक वगैरह ना करें, और अगर आप लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं वो भी ना पिएं उस दिन। और उसके बाद में आप नारियल पानी पीकर जाएं। अगर छोटी मोटी समस्या होगी वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो नारियल पानी पीकर ज़रूर जाएं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर दिखाता है ब्लड में या फिर एक्सरे में तो आप लोगों का जो मेडिकल है वो अनफिट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग नारियल पानी पीकर जाइएगा। तो आप लोगों को सिगरेट पी के भी नहीं जाना है, ना ही आप लोगों को इस तरीके का कोई भी चीज़ लेना है जिससे आप लोगों को मेडिकल में प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए आप लोग अगर जा रहे हैं तो आप लोगों का इंशाल्लाह मेडिकल बिल्कुल फिट आएगा। और बहुत से लोग सोचने पहले से ही सोचने लगते हैं पता नहीं फिट होगा नहीं फिट, वही चीज़ है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, नो टेंशन, आप लोगों को मेडिकल करवाने के लिए चले जाना है, इंशाल्लाह आपका मेडिकल बिल्कुल फिट आएगा। तो इस तरीके से मेडिकल का प्रोसेस होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।